हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। फॉर एग्जांपल, पिछले साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है और उसके कंपैरिजन में इस साल में कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स की ही हम बात करेंगे। इकोनॉमिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जो कि स्कार्स नेचर के होते हैं और उनकी कोई प्राइस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके कंट्रास्ट में, ऑपोजिट में हम देखें तो जैसे फ्री गुड्स जो है नेचर से अवेलेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, सनलाइट, सो इन गुड्स के लिए हम डायरेक्टली कोई प्राइस नहीं पे करते हैं, ये अबंडेंट है। सो स्कार्स गुड्स और जिनकी प्राइस हो वही इकोनॉमिक गुड्स में हम इंक्लूड करते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब हम दो पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कितनी ज़्यादा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स हुई है, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया कि रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। फॉर्मूला क्या आ गया? YT - YD - 1/YT - 1। YT है करंट इनकम, करंट ईयर की इनकम, और प्रीवियस ईयर की इनकम है हमारे पास YT - 1। सो डिफरेंस प्रीवियस ईयर और दिस ईयर की इनकम का डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की इनकम क्या है, ये होती है दिस ईयर मतलब करंट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज़ नॉट ओनली मोर आउटपुट बट आल्सो मोर एफिशिएंसी, दैट इज़ एन इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग ओनली आउटपुट में इंक्रीज होना नहीं है, इंस्टेड इसका ये मीनिंग है कि हमारे पास जो आउट इनपुट जो हम यूज़ कर रहे हैं तो पर यूनिट ऑफ इनपुट में हमें ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मीनिंग है कि रियल आउटपुट लेवल में इंक्रीज होना किसी भी इकोनॉमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, सर जितना भी हम ले रहे हैं, तो रियल आउटपुट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ये प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शिफ्ट करा के टुवर्ड राइट साइड, सो उससे हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी में हो रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके इकोनॉमी में हमारे पास दो कमोडिटीज़ की कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, और अगर इनके इस एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, दूसरी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। सो ये है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास इनकम में इंक्रीज हो रही है तो उसमें से इन्फ्लेशन को हम माइनस कर देंगे। सो इन्फ्लेशन का इफेक्ट डिडक्ट करके हमारे पास जो बाकी एक्चुअल इंक्रीज है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो टेक्नोलॉजी अगर एफिशिएंट होगी तो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस्ड ज़्यादा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोर आउटपुट प्रोड्यूस होता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी मशीनरी में, फैक्ट्रीज़ में, इक्विपमेंट्स में और बाकी नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ में, तो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल है। सो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट के साथ आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा और हमारे पास आउटपुट के लिए डिमांड भी बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा।
नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर। सो ज़्यादा अगर लेबर एम्प्लॉय करेंगे हम तो ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी, लेकिन इसके साथ क्वालिटी ऑफ लेबर और ह्यूमन कैपिटल हम कहेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लेबर या ह्यूमन कैपिटल लाइक लेबर की एबिलिटीज़, उसकी स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो उससे हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो अल्टीमेटली ये लीड करेगा टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशन। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी को लेकर के और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उससे हमारे पास रियल आउटपुट वो इंक्रीज़ करेगा, सो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इफ़ फर्म्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट द रिटर्न रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, दे विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अगर फर्म को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अच्छे रिटर्न रेट रहेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे। इफ़ कंज्यूमर्स आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्यूचर इनकम, दे इंक्रीज देयर कंजम्पशन एंड हैंस स्पेंड मोर ऑन द इकोनॉमी। अगर कंज्यूमर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है कि उनकी इनकम फ्यूचर में इंक्रीज ही करेगी, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे प्रेजेंट टाइम में, सो ज़्यादा स्पेंड करेंगे वो मनी को भी कंजम्पशन पे, जिससे कि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाएगा। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो इसके रिवर्स अगर हमारे पास कंडीशन होती है तो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर नेगेटिव है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस और लेके इकोनॉमी को, तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली होगी, हमारे पास पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास और डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्रीज विच हैव मोर नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट, हैंस अर्न मोर आउटपुट एंड कैन एक्सपोर्ट एज वेल। वो सारी कंट्रीज जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगी और कॉस्ट भी उनको कम आएगी और उनका आउटपुट ज़्यादा होगा, सो वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी, जिससे कि उनका आउटपुट और रियल आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसके रिवर्स वो कंट्रीज जिनको नेचुरल रिसोर्सेज जिनके पास कम हैं या नहीं हैं, तो उनको कॉस्टली प्रोडक्शन होगी, क्योंकि उनको इनपुट्स इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। आइदर अगर वो इनपुट नहीं इम्पोर्ट करते हैं तो वो कमोडिटी को एज ए फिनिश्ड कमोडिटी ही उनको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि उनके पास आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो बहुत कम करेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी नेशन की कितनी होगी। सो रिकैप करते हैं, तो हमारे पास पहला टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, फोर्थ है कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशंस, फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे अलग है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन सर्टेन इंडाइसिस, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्टेन इंडाइसिस पे डिपेंड करती है कि हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसी है किसी नेशन की या किसी प्रॉपर रीजन की, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। सो ये इंपॉर्टेंट तीन इंडाइसिस हैं जिन पे डिपेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। बट इकोनॉमिक ग्रोथ को हम रियल आउटपुट और रियल जीडीपी की टर्म्स में ही देखते हैं कि प्रीवियस ईयर से या पास्ट टाइम से करंट टाइम में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रियल आउटपुट में। सो ये इंपॉर्टेंट